नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नक्षत्र में हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में प्रगति और उन्नति लाएंगे। उन उपायों को सही विधि विधान से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पंचवक्त्रम महाभीमं त्रिपंचनैरुतम ओम क्राम क्रीम क्रोम सब भवाय नमः। इस प्रकार से मंगल देव का प्रभुत्व और मंगल देव को जागृत करते हुए हमारे साथ जीवन में कई ऐसी चीजें घटित होती हैं जो हमें लगता है अकस्मात चीजों को हमको एक प्रभाव मिला, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके आते हैं, ऐसे महीने आ जाते हैं जैसे श्रावण मास, वो दिक्कतें एकदम से दूर हो जाती हैं। ये है इसकी खासियत, इम्पोर्टेंस और प्रभाव। श्रावण के नाम से जाना जाता है श्रावण मास, यानी भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है, क्योंकि बड़े से बड़े कष्टों का निवारण इस महीने होता है। लेकिन इधर इस साल, इस बार विशेष रूप से 2 महीने यानी 59 दिनों का लगभग 8 सोमवार पड़ रहे हैं श्रावण के सोमवार, और 10 जुलाई श्रावण मास का पहला सोमवार, 17 उसी क्रम में दूसरा सोमवार, 24 तीसरा सोमवार पड़ेगा, यानी 4 सोमवार की जगह 31 को चौथा, और उसी के बाद 31 जुलाई के बाद 7 अगस्त को 5वां सोमवार पड़ेगा। और ये सब डेट्स सोमवार की विशेष रूप से 14 छठा सोमवार पड़ेगा और 21 को अगस्त को सावन का 7वां सोमवार पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देखें 28 को 8वां भी पड़ेगा, यानी 8-8 सावन के सोमवार। इसका मतलब अधिक मास जब होता है तो ये इस बार श्रावण अधिक मास है। दशकों दशकों बाद ये स्थिति आई है कि अधिक मास, यानी एक जो बड़ा मास होता है सौर कैलकुलेशन के हिसाब से और पंचांग के गणित के हिसाब से। गुरु जी, आप दर्शकों को बताइए आज की 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है वो खास उपाय जो आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मेष राशि वालों, मानसिक रूप से अधिक आपको आज अन्य दिनों की अपेक्षा थोड़ा सा विशेष, क्योंकि मास का आगमन है विशेष रूप से श्रावण का, तो मानसिक रूप से भी आपको कुछ बेहतर रहेगा। लाभ की उम्मीद, लेकिन सफलता एक आध मिल भी सकती है आपको। आपको थोड़ा सा उन्नति आपकी अपने ही लोगों के को खरेगी। पूर्णिमा हो गई, लेकिन हर पूर्णिमा को वैसे चंद्र का आज आपको जप करना चाहिए, ओम चंद्राय नमः। सफ़ेद रंग आज आपके लिए शुभ है, गुलाबी भी ले सकते हैं और 3 का और 6 का अंक दोनों ले सकते हैं। वृषभ राशि की बात अगर हम कर लें तो आज आपको धन से संबंधित अच्छे लाभ हो सकते हैं। धर्म से आपको मन में आध्यात्मिक भावनाएं आपकी जागृत होती हुई देखी जा रही हैं। कार्य क्षेत्र पर भी आज आपकी कुछ व्यस्तताएं नजर आ रही हैं। परोपकार स्वभाव के कारण आप लोगों की मदद कर सकेंगे। सूर्यदेव की वंदना करें, पूजन करें और भोलेनाथ का आशीर्वाद लें, जरूर लाभ होगा। 8 का अंक मैजेंटा कलर शुभ है। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आज आपकी सेहत में कुछ ना कुछ विकार बना रहेगा और कुछ विचार आप जो करेंगे वो कुछ कार्यों को लेकर करेंगे, कार्यों से यात्रा भी करनी पड़ सकती है। मानसिक विकार जो बनेंगे तो जो आपको पॉजिटिव लगे वही आप सोचें, यानी कि निगेटिविटी से दूर रहें, अपने निगेटिव ख्यालों को आज थोड़ा सा कोने में रखें। सूर्यदेव की उपासना करना और हनुमान जी की कवच का पाठ करना, नारंगी रंग 3 का अंक 2 का अंक दोनों आपके लिए शुभ हैं। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। बुजुर्गों को, वरिष्ठों को और सदस्यों को मान सम्मान, बड़ों को सम्मान आपको देना चाहिए। किसी रिश्ते की बात आ सकती है, अविवाहित का भी विवाह हो सकता है। ग्रह स्थिति आपकी बहुत ही अनुकूल है, शुभ है और आपका पराक्रम भी बढ़ाएगा। लव पार्टनर के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपके लिए सुकून का सबब होगा। जरूरतमंद को भोजन कराएं और आज शिवलिंग पे जल अवश्य अर्पित करें। सफ़ेद गुलाबी आपके लिए और 7 का अंक आपके लिए। सिंह राशि की बात कर लें, जीवन शैली को आप खूब उन्नत करेंगे, प्रयत्नशील हैं, आपको अपनी कैरियर के ऊपर भी ध्यान आज जाप देंगे। शारीरिक मानसिक रूप से आप तंदुरुस्त महसूस करेंगे। घबराने की बजाय मेहनत बढ़ाना आज उचित है, बिल्कुल ना घबराइए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा पति पत्नी के बीच गलतफहमी थोड़ी बहुत हो सकती है, वो सही हो जाएगी।
शिव जी को आज बेसन से बने लड्डू का भोग भी लगाएंगे तो अच्छा है। हरा रंग आपके लिए पीला रंग और 5 का और 1 का अंक शुभ है। कन्या राशि की बात कर लें, सूझबूझ के साथ आप काम करें, सजगता से सभी क्षेत्रों में आप अपना हित लाभ बनाए रहें, आपकी उपलब्धियों को बढ़ावा मिल रहा है, कोई विशेष आपको आज अचीवमेंट मिलेगा। यहाँ तक संतान से संबंधित है, अचीवमेंट मिलेंगे वाणिज्यिक और अच्छे आप महत्वपूर्ण कार्यों के प्रयास बनाए रखेंगे, चाहूँ और सफलता मिल सकती है। गाय कहीं दिख जाए अगर आपको तो जरूर उसकी सेवा करें, गुड़ रोटी से भोलेनाथ का रुद्राष्टक का पाठ करें, मेहंदी कलर 1 का अंक शुभ है। बात कर लेते हैं तुला राशि की, सभी के सहयोग से नह संकोच आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे। आप अपने आप को थोड़ा सा अभी आर्थिक गतिविधियों तो बढ़ेंगी बल पाएंगी, थोड़ा लिमिटेड अपने आप को रखिए, यानी एक दायरे में। व्यक्तित्व आपका प्रभावी बनता हुआ देखा जा रहा है, कला कौशल आपकी बढ़ती हुई देखी जा रही है। तुला राशि वालों, तो तुला राशि वालों पारिवारिक कार्य करिए, अन्न का दान करना आपके लिए उचित रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ आज आप शिव उपासना अवश्य करें। फिरोजी नीला और 10 का 2 का अंक अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों की बात कर लें, भाग्य की कृपा है आज आपके ऊपर, आपका आज भाग्य का सूचकांक अंक अच्छा दिख रहा है। लॉन्ग टर्म हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन संपर्क और संवाद भी बनाए रखिए, पुण्य भी कमाते रहिए। ये 3 काम आपको लगातार करने हैं आपकी राशि पे। क्या करना है आज को, आज आपको अपने गुरु को ध्यान करते हुए शिव जी के ऊपर आज आपको अभिषेक करना है, 6 का और सनराइज का राशि। बात कर लेते हैं धनुराशि की, धनुराशि वालों परिवार में लोगों से संबंध आपके बेहतर रहते हैं, आवश्यक कार्य में थोड़ा सा आज आप ढिलाई से बचना चाहिए आपको धनुराशि वालों, और इसी के साथ पेशेवर सफलता आपकी सामान्य रहेगी, कुछ अच्छा लाभ हो सकता है आपको। सहयोग की भावना रखें, रूटीन पे आज आपको फोकस बनाए रखना चाहिए। दूध के पदार्थों का दान करना आज आपके लिए शुभ है, और इसी के साथ आज आप शिव मंदिर के दर्शन करें, पीला रंग 3 का अंक आपके लिए शुभ है। बात कर लेते हैं मकर राशि की, आज आपके लिए दिन कुछ उत्तम दिख रहा है, आज आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ कार्य करते हुए दूसरी जगह के लोगों से बात करते हुए आज आप नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी हैं यदि तो शिक्षा में, या किसी अन्य प्रकार से अगर आप टीचर इत्यादि हैं तो श्रम अधिक करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले हैं उसके लिए अनुकूल समय, संतान पक्ष से जुड़ी हुई उपलब्धि हो सकती है। गणेश जी का ध्यान करें और आज शिव जी का स्तोत्र जरूर पढ़ें। हरा रंग और 17 और 2 का अंक आपके लिए शुभ है। कुंभ राशि, मेहनत करें, लगन और कार्यों में आप लाएं गति, इसी के साथ स्पष्टता लाएं, सक्रियता बनाए रखें अपनी, तो कुंभ राशि वालों पेशेवर भी प्रदर्शन आप कर सकते हैं, यानी आज आप प्रोफेशनल एंगल आप अच्छे से गेन कर सकते हैं। सावधानी रखें लेन देन में, कोई बुराई नहीं है। शिवलिंग पे आज चने की दाल अर्पित करें और इसी के साथ आप जल भी अर्पित करें। नीला रंग 8 का अंक शुभ है। तो आप ये छोटे छोटे उपाय करें। श्रावण मास के मीन राशि पे चलते हैं, अंतिम राशि। कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा मुश्किलें आ सकती हैं, कि इस चीज़ों में आज आप स्पष्टता, जिंदगी में कुछ उथल पुथल पा सकते हैं। आज आपको किसी न किसी बड़ी समस्या से जूझना भी पड़ सकता है। महत्वपूर्ण कार्य अगर आपको सौंपा जाए तो जल्दबाजी से थोड़ा बचना चाहिए। धन कमाने के बहुत जल्दी वाले रास्ते या अपना धन निकलवाने के कई अलग तरीके के फैसले आप ना करें। हनुमान जी का दर्शन करें, शिव जी का रुद्राष्टक का पाठ करें। पूरा रंग 4 का अंक शुभ है। गुरु जी, आप दर्शकों को बताइए आज का पंचांग क्या कह रहा है, दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। दिनांक 4 जुलाई 2023 पूर्णिमा तिथि का आज भी मान लगभग लगा हुआ है, उसके बाद मूल नक्षत्र का प्रभाव मंगलवार का दिन आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष शुभ समय 11:57 से 12:52 स्थिर, प्रत्येक दिन के लिए स्थिर। राहु काल 7:11 से 8:56 सिद्ध है। तो आज आपने जाना कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है वो उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, और ज्यादा मदद के लिए आप गुरु जी को कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं 800-4036-524 पर। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं, और साथ ही गुरु जी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।